का काम करवाना हो तइयो, और उसके बाद सात निश्चय योजना करवाना हो ना तइयो, यह आपको प्रशासनिक बनवाना पड़ेगा। आप बात कीजिए और कहिए जो हम योजना लिख करके दिए हैं उसका क्या हुआ। 5 से 10 दिन आप रुक जाइए और उसके बाद कहिए कि वह क्या हुआ और उसका काम हम करवाना चाहते हैं। पहले प्रशासनिक बनाना पड़ेगा। प्रशासनिक कहाँ से बनेगा? तो प्रशासनिक BDO साहब से बनेगा। पहले पैसा आता है, उसके बाद काम कराना पड़ता है, और उसके बाद हम आपको जान लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो भी योजना है उसका काम जाकर धरातल पर कराइए। और इस बातों को हम आपको बता देते हैं। जैसे नल जल का ही काम हुआ तो नल जल से संबंधित जो है ना, हेलो फ्रेंड, नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ब्रेस कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल में। देखिए आज हम आपको बात करेंगे कि वार्ड सदस्य अगर कोई भी योजना को करवाना चाहते हैं ना, तो जान लीजिए सबसे पहले, और मुखिया जी भी करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले यानी कि अनुसरवण समिति या ग्राम सभा या क्या चीज़ कार्यकारिणी का मीटिंग होना जरूरी है। अगर आप इस बैठक में अगर आप कोई योजना को लिख करके दे रहे हैं ना और उस योजना का आप काम करवाना चाहते हैं ना, तो सबसे पहले जान लीजिए यह बातों को जान लीजिए कि बिना यानी कि अनुसरवण, बिना ग्राम सभा, बिना कार्यकारिणी के मीटिंग कराए हुए आप मुखिया जी कोई भी काम नहीं कर सकते हैं। जान लीजिए इस वीडियो का लिंक आपको हम डिस्क्रिप्शन में और आई बटन दोनों में हम आपको दे दिए हैं। इस वीडियो को आप जरूर देख करके इस बातों को पूरा का पूरा इसमें हम जानकारी दे दिए हुए हैं कि कैसे नहीं करा सकते हैं। और उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि जब इसमें आप कोई भी योजना को लिख करके देते हैं उसके बाद आप सबसे पहले क्या कीजिए, आप अपने पंचायत के पंचायत सचिव जी से बात कीजिए, और उसके बाद क्या कीजिए यानी कि मुखिया जी से बात कीजिए, पंचायत सचिव जी या मुखिया जी से आप बात कीजिए और कहिए जो हम योजना लिख करके दिए हैं उसका क्या हुआ। 5 से 10 दिन आप रुक जाइए और उसके बाद कहिए कि वह क्या हुआ और उसका काम हम करवाना चाहते हैं, क्योंकि वह मेरा लिखा हुआ योजना है। उसके बाद आप जान लीजिए पंचायत सचिव जी, और उसके बाद यदि मुखिया जी खुद से वह कराने के लिए एकाग्रित हो ना, तब आप उनके ऊपर जो है ना यानी कि वार्ड सदस्य लोग मिल करके उनके विपक्ष में हो करके किस प्रकार से आप अपना हक ले सकते हैं ना, तो देख लीजिए। लेकिन यदि आपको उसके बाद पंचायत सचिव जी, अगर मुखिया जी से बात नहीं बने तो पंचायत सचिव जी से बात बनाइए, पंचायत सचिव जी से बात कीजिए, उनको कहिए पूरी बातों को कि आपको हमें काम देना पड़ेगा। और उसके बाद अगर ये बोल देना तो आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले प्रशासनिक बनाना पड़ेगा। प्रशासनिक कहाँ से बनेगा? तो प्रशासनिक BDO साहब से बनेगा। और यह प्रशासनिक जो है ना, आपको क्या चीज़ मनरेगा का काम करवाना हो तइयो, और उसके बाद सात निश्चय योजना करवाना हो ना तइयो, यह आपको प्रशासनिक बनवाना पड़ेगा। और प्रशासनिक के बाद आपको क्या चीज़ करना पड़ेगा, आपको जो है ना एस्टीमेट आपको बनवाना पड़ेगा। यह एस्टीमेट जो आपको कौन बनाएगा, तो आपके पंचायत के तकनीकी सहायक के मतलब आप तो समझिएगा ये होइएगा, तकनीकी सहायक का मतलब JE, ठीक है, JE जो होगा यह आपको एस्टीमेट बनाएगा। और उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद यदि पंचायत लेवल का यानी कि आपको पंचायत सचिव जी से आपको मिलना है और मुखिया जी से मिलना है, ठीक है, पंचायत सचिव जी और मुखिया जी से मिल करके आप उनको कहिए कि जो यह योजना संबंधी जो है ना, जितने भी रुपए की योजना एस्टीमेट जो बना है उतना रुपया आप क्या कीजिए, पहले ट्रांसफ़र कीजिए। अगर मनरेगा का है तो मनरेगा का पैसा तो बाद में आएगा, लेकिन अगर सात निश्चय योजना से आप कोई भी काम करवा रहे हैं या मुखिया जी अपना कोई योजना यानी कि वह मुखिया जी के तहत योजना है, 15वीं वित्त आयोग है चाहे यानी कि 6ष्ठम वित्त आयोग है चाहे 5म वित्त आयोग है, इस प्रकार की ही योजना है, अगर मुखिया जी आपको दे रही है ना, तो सबसे पहले इसमें से कोई भी योजना का काम करवाने के लिए मुखिया जी को कहिए कि पहले पैसा भेजिए। और इन सभी चीजों को मनरेगा के छोड़ करके बाद बाकी A to Z योजना के लिए जो है ना यानी कि पहले पैसा आता है उसके बाद काम कराना पड़ता है। और उसके बाद हम आपको जान लीजिए, और उसके बाद आप क्या कीजिए कि जो भी योजना है उसका काम जाकर धरातल पर कराइए। और इस बातों को हम आपको बता देते हैं। जैसे नल जल का ही काम हुआ तो नल जल से संबंधित जो है ना यानी कि नल जल का एस्टीमेट बनाने में थोड़ा सा परेशानी है, इसका थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है, अगर आपको ज़रूरत होगा तो आप हमें कमेंट कीजिए, हम आपको वह भी वीडियो आपको हम बना करके देंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। देखिए आपको इस प्रकार से कोई भी योजना से संबंधित किसी भी प्रकार का समस्या है ना, तो आप हमारे यानी कि वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद हम आपको बता देते हैं कि हम आपको लाइव आने जा रहे हैं, Balram Kumar 1M मेरा चैनल है, Balram Kumar 1M मेरा चैनल है, उस पर कल शाम 6 बजे हम लाइव आने जा रहे हैं, यानी कि Balram Kumar 1M, ठीक है, इस चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, और उसके बाद जो है ना आपको हमारे चैनल के होम पेज पर भी यानी कि होम में भी दिया हुआ है। आप हम आशा करते हैं कि आप लाइव सेशन से जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय।